तो फ्रेंड्स फाइनली यार हम लोग गुफा के पास पहुंच गए हैं। और मतलब यार ये गुफा इधर राइट साइड है तो बोल दिया यार, ये राइट साइड में गुफा किधर है? खैर जो भी फ्रेंड्स, यहाँ का मैं आपको एक व्यू दिखा रहा हूँ जो कि देख लो फ्रेंड्स कितना मस्त और कितना अच्छा लोकेशन है यहाँ का। थोड़ा सा मैं आपको साइड ओवन में जाकर दिखाता हूँ, थोड़ा सा हल्का नीचे टाइप में जाकर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो मतलब नजारा है, ये नजारा शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा। ये नजारा बिल्कुल मतलब मैं इतना ऊंचा हूँ, इतना ऊंचाई पे हूँ कि यहाँ से जो बिल्डिंग्स आपको तो समझ लो यार फ्रेंड्स कितने छोटे दिख रहे हैं वीडियो में, तो ओरिजिनल में कितना छोटा दिख रहा होगा भाई, सोचो। देख सकते हो बिल्कुल मतलब इस तरह से ये सारे शहर जो है दिख रहे हैं राजगीर के। इसी जगह पे जो है बहुत सारे, नीचे जो आप देख रहे हो फ्रेंड यहाँ पे बहुत सारे चीजें जो है जो कि घूमने लायक जगह है, यहाँ पे भी जाना बाकी है। खैर अभी तो मुझे सप्तवर्णी गुफा में जानी है, उसके बाद यहाँ जो व्यू दिख रही है आपको फ्रेंड्स, जो भी नजारा मैं दिखा रहा हूँ वहां पे फिर हम चलेंगे और आगे की ओर देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग पहुंच गए हैं, अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो फ्रेंड्स शायद अभी थोड़ी दूर और है, आई थिंक मुझे लगा कि मैं पहुंच गया, बट अभी थोड़ा सा और आगे चलना बाकी है, तो देखते हूँ फ्रेंड्स। इसमें क्या आवाज सुनना, मतलब क्या आवाज सुनने से भगवान, चलो सुनते हैं। देखते हैं ये मंदिर है, अब इसमें थोड़ा सा कुछ मान्यता है यहाँ की, अब देखता हूँ कि कौन सा मंदिर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का जो आवाज सुनते हैं मतलब कि उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। तो अभी हम लोग इस मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और ये मंदिर श्री मुनीश्वरत स्वामी जैन श्वेतांबर मंदिर की है और ये बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग मंदिर के अंदर एंट्री कर गए हैं और यहाँ पे बिल्कुल शांति है, देख सकते हो यहाँ। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग मंदिर से बाहर निकल गए हैं और अभी तो देखना बहुत जगह पे बाकी है। हाँ अभी काफी थोड़ा सा ज्यादा दूर नहीं है, बस हम लोग पहुंचने वाले हैं, है ना फ्रेंड्स। मुझे लगा कि मैं पहुंच गया, आई थिंक मुझे लगा कि मैं अब सप्तवर्णी गुफा में पहुंच गया, बट क्या करूं, एक और रास्ता स्टार्ट हो चुका है, तो शायद मुझे उस पहाड़ी पे जाना पड़ेगा, वो जो देख रहे हो उस पहाड़ पे जाना पड़ेगा। हम लोग छठे पहाड़ पे है ना, हम लोग छठे पहाड़ पे चढ़ चुके हैं, अब यहाँ से सातवां पहाड़ पे जाना है जहाँ पे हमें सप्तवर्णी गुफा मिलेगी। तो फ्रेंड्स बने रहो हमारे वीडियो के साथ, आपको हम दिखाएंगे सप्तवर्णी गुफा। तो अभी तो काफी ऊंचाई पे जो अभी आपको दिख रहा था वो और छोटे छोटे हो गए हैं, इतने छोटे छोटे हो गए हैं कि फ्रेंड्स हमारे साथी लोग कोई आगे चले गए हैं, कोई पीछे चले गए हैं, अभी फिर से उनको ढूंढना पड़ेगा और हम लोग बस कंटिन्यू चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, देखना पड़ेगा कभी कितना और थोड़ा जाना पड़ेगा। बाकी जैसा भी होता है फ्रेंड्स, हालत मेरी बहुत खराब हो चुकी है, इतना थक गया हूँ। रीजन पहाड़ पे चढ़ना, वो भी सात पहाड़ पे, एक पहाड़ तो छोड़ दो फ्रेंड्स, सात पहाड़ पे चढ़ना पड़ रहा है हम लोग को, तब जाकर मैं सप्तवर्णी गुफा में पहुंचूंगा। आई थिंक शायद हम लोग पांच पार कर गए, छठे पार कर गए हैं और इस शायद मेरे ख्याल से आखिरी पहाड़ होगा। लोगों ने ऐसे बोला कि छठे पहाड़ आप लोग पास कर गए हो, सातवां पहाड़ पे आप लोग चढ़ने वाले हो। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्या होता है बाकी वीडियो में, देख सकते हो फ्रेंड्स अभी तो बिल्कुल चले जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ। तब कैसा लग रहा है भाई, हालत बिल्कुल मेरी गंभीर हो गई है, समझ नहीं आ रहा है।
आदमी मुझे लगता है कि लौट जाना चाहिए। नहीं नहीं हो सकता तो पालकी कर लूं। भाई पालकी ना खर्चे के पता है बहुत ज्यादा बताया। खैर जो भी हो अगर वैसा स्थिति होगा पालकी ले लेना है, लेकिन अभी तो फिलहाल कोशिश करना है फ्रेंड कि बिल्कुल पहाड़ पे चढ़े सब तो वर्णी गुफा में पहुंचे ही पहुंचे। बाकी देखते हैं, हमारे दो साथी पीछे रह गए हैं, एक साथी आगे चले गए हैं, हम लोग बीच में अटके हैं। तो बने रहो फ्रेंड्स वीडियो में। चले जाओ। बहुत चलना पड़ रहा है भाई। फ्रेंड्स देखता हूँ क्या होता है आगे, बने रहो। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ऊपर पहाड़ पे। काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। देख रहा आवाज सुन रहे हो, आवाज सुन रहे हो, देख रहे हो बच्चे लोग का कितना मतलब कि मेहनत करके लोग बच्चे लोग आ रहे हैं, सोच सकते हो फ्रेंड्स। तो चलो वीडियो में बने रहो, अब ले चलते हैं डायरेक्ट आपको ऊपर मंदिर के पास। आखिरकार पहुंच ही गया, लगभग 2-2.5 घंटे चलने के बाद फ्रेंड्स आखिरकार हम लोग पहुंच ही गए हैं श्री गौतम स्वामी टेक व्यवहारिक गिरी। सारे बच्चे लोग पहुंच गए हैं ना, तो फ्रेंड्स आखिरकार हम लोग जहाँ पहुँचना था वहाँ पे हम लोग पहुँच गए। देख लो बच्चे लोग को उत्साहित, कितना खुश नजर आ रही है बच्चे लोग। कैसे लग रहा है बच्चों पहुँच कर, कैसे लग रहा है? देख लो अभी और स्कूल के बच्चे लोग भी आ रहे हैं और यहाँ पे बहुत मस्ती कर रहे हैं। पटना सैनिक स्कूल है। जय हिंद जय हिंद। ये बच्चे लोग उत्साह है फ्रेंड्स, आप लोग भी आओ यहाँ पे और इस जगह पे घूमो, काफी बढ़िया जगह है राजगीर। भाई कितना ऊपर आ गया हूँ फ्रेंड्स, देख रहे हो ये नीचे बिल्कुल खाई है। यहाँ से मैं आगे वो बंदा है, उसके अलावा कोई और नहीं जा सकता वहाँ पे, एक दिन तक वो हटता नहीं है। ये फ्रेंड तपस्या लीन में लगे हुए हैं, शायद इनका तपस्या है आज, हो सकता है काफी पहले पहुंच गए हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक मुझे लगा सप्तवर्णी गुफा जहाँ पे 7 गुफाएं होंगी, बट फ्रेंड्स यहाँ पे 7 गुफाएं तो नहीं मिली, बट एक ऐसी ऊंचाई पे आ गया हूँ फ्रेंड्स जहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ वो बिल्कुल मतलब समझो 7 पहाड़ चढ़ा हुआ। ये तो कन्फर्म है फ्रेंड्स, 7 पहाड़ हम लोग चढ़ के ऊपर आए हैं। अभी देख सकते हो कि मैं जिस जगह पे हूँ इतना ऊपर में हूँ, यहाँ से अभी बहुत सारे नीचे लोग, बहुत लोग अभी जो है वो लाइन से आ रहे हैं और यहाँ पे आते हुए इस रास्ते के जरिए यहाँ पे ऊपर आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स अभी तो मैं इतना ऊपर आ गया हूँ कि यहाँ का व्यू मैं दिखा सकता हूँ आपको, बिल्कुल समझ लो किस तरह से बादलों के पास पहुँच गया हूँ। धूप काफी हो गई है और दोपहर भी काफी हो गई, इसलिए शायद वीडियो थोड़ी सी कमी हो जाए, बट फ्रेंड्स इसके लिए आई एम सॉरी। और ये जो व्यू आप लोग देख रहे हो बहुत अच्छा लोकेशन, बहुत अच्छा व्यू है फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे आओ।
देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे जो लोकेशन है, बच्चे लोग का उत्साह देख रहे हो आप लोग, बच्चे लोग किस तरह से खेल कूद कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग को वापस नीचे भी जाना है, और यहाँ से कवर करने के बाद हम लोग किसी और अलग जगह पे जाएंगे जहाँ पे एक नए वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। और शायद मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग को केदारनाथ में मिलूं, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो हम लोग का केदारनाथ रहेगा। और तब तक के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तब तक के लिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी जनवरी एंड वर्ल्ड लाइफ सालव। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग सतवर्णी गुफा में इंटर करने वाले हैं। और ये देख सकते हो फ्रेंड्स ये जो जगह ये लोकेशन जो है ये सप्तवर्णी गुफा है, मतलब सात गुफा है फ्रेंड्स। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो ये जो है ये फर्स्ट गुफा है। अभी काफी अंदर तक जाती है गुफा, जिसके अब तो अंदर जाना है नहीं, तो मैं और आगे आपको दिखाता हूँ। सप्तवर्णी गुफा में फर्स्ट गुफा मैंने आपको दिखाया, पहला गुफा देख लिया फ्रेंड्स आप लोगों ने। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ दूसरी गुफा। तो फ्रेंड्स ये जो लोकेशन है ये दूसरी गुफा है, और हम लोग ये दूसरी गुफा में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि वो पहली वाली गुफा काफी ज्यादा अंधेरा था, तो इसलिए हम लोग दूसरा वाली गुफा में थोड़ा बहुत अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जो है अंदर एंट्री कर रहे हैं गुफा में। देखना भाई ध्यान से देखना, नीचे कुछ हो ना हो। चलो अंदर चलो थोड़ा। देखो इधर भी रास्ता है उधर भी रास्ता है, इस रास्ते आएगा जाएगा भूल जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग सतवर्णी गुफा में पहुंच गए हैं, और यहां का लोकेशन जो है आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोगों को वेट करवाया। और अभी फिलहाल हम लोग सप्तवर्णी गुफा में हैं और यहाँ का लुफ्त मजा ले रहे हैं। देख सकते हो फ्रेंड्स ये गुफा, साधु बाबा रहते हैं, यही वो गुफा है जहाँ पे सप्त ऋषि लोग, जो सात ऋषि लोग कहते हैं वो सप्त ऋषि लोग यहाँ पे ही रहा करते थे, तपस्या क्या करते थे। तो अभी हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं और यहाँ पे थोड़ा बहुत मस्ती करेंगे। अब यहाँ पे कुछ लोग और भी लोग आ रहे हैं, तो चलो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग जो है मिलते हैं इस वीडियो के बाद।